पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल मिकी आर्थर को ऑनलाइन हेड कोच बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हर तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खूब मजाक उड़ाया गया। इस तनकीद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न लिया है और अब अपने फैसले में एक टेक्निकल तब्दीली की है और मिकी आर्थर को ऑनलाइन टीम डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है, जबकि इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोई हेड कोच नहीं होगा। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर को ये इख्तियार भी दिया है कि वो अपनी मर्जी के 3 असिस्टेंट कोचेस को मुकर्रर करें, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच शामिल हो। इसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट देते चले कि एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान में होगा, मिकी आर्थर उसमें भी पाकिस्तान टीम को अवेलेबल नहीं होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 विदाउट हेड कोच खेलेगी। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, जबकि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।